أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. दोस्तान मोहतरम, कल तक जो हमारी गुफ्तगू थी वो अहकाम के बारे में थी। जो अफराद कल मौजूद थे इंशाल्लाह उन्होंने दर्स का मरूर कर लिया होगा जरूर। आज से हमारी गुफ्तगू इल्म उसूल फिक्के एक अहम बाब, एक अहम बहस अदिल्ला के बारे में शुरू हुई। अदिल्ला जमा है दलील, दलील दलील किसी भी ऐसी बात के जवाब में बोली जाती है जिसमें कोई सवाल पूछता हो, जिसमें सामने वाला जानना चाहता हो, उसके जवाब में जो चीज बोली जाती है उसे कहते हैं दलील। जैसे हम उर्दू जबान में कहते हैं क्यों, कहा मसलन फला ने खाना नहीं खाया, मसलन हॉस्टल में हम बात करते रहते हैं, तो उसके जवाब में इसके इसकी इत्तला के बाद फौरन एक सवाल जहन में आता क्यों। अब इस क्यों के जवाब में जो चीज बोली जाएगी उसी को दलील। आपने कहा कि वो मरीज है इसलिए खाना नहीं खाया, तो ये जो कहा आपने कि वो मरीज है और इसलिए खाना नहीं खाया, या मरीज कहना उसे या उसकी इत्तला देना उसके मरज की, ये क्या है दलील। हम जब अपनी जिंदगी में देखते हैं कि बहुत सारे अहकाम हमारे सिन तकलीफ में दाखिल होते ही हमारे ऊपर शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे मुस्तहब होते हैं, बहुत सारे मकरूह होते हैं, बहुत सारे हराम होते नहीं होते, बहुत सारे अहकाम ऐसे होते हैं कि जो इन चारों से अलग होते हैं जैसे विवाह, और बहुत सारे अहकाम होते हैं जो इन पांचों से अलग होते हैं जैसे अहकाम वजिया। अहकाम वजिया ये कोई ऐसे अहकाम नहीं है कि जिनसे हमें सरोकार नहीं है, सिर्फ अहकाम तकलीफी सरोकार, ठीक है। तो अब इन तमाम अहकाम को जब हम देखते हैं अपनी जिंदगी में तो जहन में सवाल होता है कि फला चीज वाजिब, फला चीज मुस्तहब, वाजिब है, ये वाजिब क्यों होगी, क्यों हम नमाज पढ़ें, क्यों जरूरी क्यों है नमाज पढ़ें हम, कोई दलील है, बगैर दलील के नमाज वाजिब मान के पढ़ते रहे, बगैर दलील के फला काम को मुस्तहब समझ के करते रहे। भाई अल्लाह ने कहा है मसलन, मिसाल के तौर पर अगर आप के सामने दलील पेश करें तो अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो, ठीक है ना, तो मैं तो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ ऐसे बगैर वुजू के, ये बताओ कि कहाँ पे कहा है कि वुजू करो, है या नहीं बात। तो जब तक दलील पेश नहीं की जाएगी इंसान के जहन को तशफी नहीं होने की, इत्मीनान नहीं होने का कि मैं इस फेल को अपने ऊपर जरूरी क्यों करूं, ये इस फेल को जरूर क्यों तर्क करूं, ठीक है ना। तो इस क्यों के जवाब में जो चीज बोली जाती है वो दलील होती है। अहकाम शरिया में, क्योंकि अहकाम जो हैं वो परवरदिगार ने हमारी जिंदगी को मुनज्जम करने के लिए नाजिल किए, जैसा कि तारीफ में पढ़ा था, क्या पढ़ी थी तारीफ, तारीफ पढ़ी थी कि ऐसा कायदा और कानून कि जो परवरदिगार की जानिब से
इंसानों की जिंदगी को मुनज्जम करने के लिए साधन, ठीक है ना। तो जो ऐसा कायदा कानून होता है उसे कहते हैं हुक्म। लेकिन इस सादिर होने को तो हमें यकीन होना चाहिए कि सादिर हुआ वाकई, और इसी यही नतीजे निकलेगा उस सुदूर के बाद, तो यह हमें साबित होना चाहिए ना, हमें यकीन होना चाहिए। मसलन अकीमुस्सलात, अकीमुस्सलात से हमें यकीन होना चाहिए, इसमें कहाँ पे लफ्ज वाजिब आ गया, तो हमारे पास दलील होनी चाहिए भाई अकीमुस्सलात से जो मतलब निकाला है कि नमाज कायम करो, ये मतलब निकलता है। आपने वाजिब का मतलब कहाँ से निकाला, कोई दलील तो होनी चाहिए आपके पास। तो अकीमू कैसे वजूब के ऊपर दलालत करता है, क्या करता है, इसकी गुफ्तगू हम इल्म उसूल में करते हैं कुल्लन। तो अब अहकाम शरिया जब उनके बारे में कहा जाएगा कि ये चीज वाजिब क्यों है, ये चीज मुस्तहब क्यों है, ये चीज हराम क्यों है, तो इस क्यों के जवाब में क्या पेश करेंगे हम, हम कहेंगे हमने अपनी अकल से निकाला, अकल के अहकाम शरिया में उस तरह से कोई हैसियत नहीं है, राय शख्सी की कोई हैसियत नहीं है, फिर अहकाम शरी कहाँ से हम निकालेंगे भाई, अल्लाह की किताब कुरान करीम या उसके कलाम से कि जिसका कलाम किताबुल्लाह के मर्तबे तक पहुंच जाता है, ठीक है ना, कुरान करीम के मुआदिल है बिल्कुल बराबर, यह अलग बात है कि उसे हम कुरान करीम नहीं मानते, लेकिन कुरान करीम ने उसे उसी लेवल में रखा है। मा यंतको अनिल हुआ इन हुआ इल्ला वहयुन। तो जब हवाओ हवस ख्वाहिशात नहीं होती हैं बल्कि वही बोले वो शख्स कि जो वो चाहता है, तो वो तो उसी की बात है, ठीक है ना, ये अलग बात है कि कुरान करीम के हुक्म में वो नहीं है, ठीक है ना, तो उसी लेवल में वो भी चीज है, ठीक है, बस उसके थोड़ा सा एक पाया नीचे उसका बिल्कुल उस पर उनवान और लेबल लगा हुआ है, इस पर लेकिन उसी से तो निकालेंगे ना हम हुक्म, वही तो पेश करेंगे जब सवाल होगा कि इस चीज का मदरक क्या है, इसका मंबा क्या है, कहाँ से निकाली आपने, इसका जरिया क्या, सोर्स क्या है आपकी बात का। तो जो इस चीज के जवाब में बोला जाएगा उसे कहते हैं दलील। अब इसके उल्टा ले लीजिए, ये जो हुक्म निकलता है ये कहां से निकलता है, दलील से, ठीक है ना, हुक्म जो निकलता है कहां से, दलील से। तो दलील की तारीफ यही हो गई, कह रहे आप दलील होवा मायुस्तंबत मिनहुल हुक्म, दलील वो है कि जिससे हुक्म का इस्तेमाल किया जाए। मसलन हमने कहा कि भाई नमाज वाजिब है या नहीं, नमाज वाजिब है, कहा नमाज वाजिब है, कहा कैसे, कहा अकीमुस्सलात, कहा अकीमुस्सलात से कैसे वजूब साबित होगा, कहा अकीमू फेले अम्र, और इसके साथ कोई करीना जुड़ा हुआ नहीं है कि जो इसे वजूब पर दलालत करने से रोक। तो अगर ऐसा अम्र हो कि जो मुजर्रदुन अनिल कराइन हो, जिसके साथ कोई करीना जुड़ा हुआ ना हो, ऐसा अम्र हो तो वो दलालत करता है वजूब पर, बस अकीमू ऐसा फेले अम्र है कि जो किसी करीने से मुत्तसिल नहीं है, जब करीने से मुत्तसिल नहीं है तो दलालत कर रहा है वजूब पर, ठीक है, बस नमाज पढ़ना क्या है, वाजिब, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक आयत से वुजूब का हुक्म निकाल लिया, तो ये आयत जो हुई ये क्या हुई, ये दलील हमारे लिए, सोर्स जरिया,
हुक्म निकाल दे, ठीक है। लेकिन कायदे कानून के तहत तो निकाला ना हमने कि अम्र अगर मुजर्रद हो कराइन से तब वजूद पे दलालत करता, तो ये कहां से हमने वो करा, ये हमने इल्म उसूल में गुफ्तगू की थी, इसके इल्म में गुफ्तगू की बहुत सारी चीजों की जो इससे मुतालिक थी, ठीक है। तो पहले ये साबित किया कि ये ऐसे है कायदा मसलन, ठीक है। अब अगर मसलन अम्र आए और उसमें करीना मौजूद हो तो उस करीने के एतबार से उसके माना होंगे, ठीक है ना। मसलन अगर फेले नहीं के बाद, ये थोड़ा सा तकरीब जहन के लिए ताकि ये पता चल जाए कि इसमें उसूल क्या करता है, तो जरा और दिलचस्पी से हम आगे बढ़े। अगर नहीं है, नहीं के बाद फेले अम्र आता है तो ये करीना है इस बात का, नहीं का मुकदम होना उसके बाद फेले अम्र आना, ये करीना है इस बात का कि ये फेले अम्र वजूद पर दलालत नहीं करेगा, बल्कि किस चीज पर करेगा दलालत, जवाज पर, जायज होने पर दलालत करेगा। मसलन हम उर्दू जबान में कहते हैं, मसलन बाज तुम्हारा को भूख लगने लगती है, जाहिर सी बात है हॉस्टल में जब रहते हैं हम लोग तो भूख तो लगी जाती है जल्दी। अब हमने देखा कि अजान के वक्त जो है वो आसपास खाने में गजा खोरी में सालों में डाइनिंग हॉल में बच्चे खाना खाने लगे, आसान हो रही है और खाना खाने लगे। हमने कहा कि भाई देखिए आसान के टाइम तुल्लाब में से कोई नहीं खाना खाएगा, ठीक है। तो ये नहीं आ गया ना, गोए एक तरीके से मदरसे के रूल के हिसाब से मदरसे में इस चीज को हराम बता दिया, मदरसे के कवानीन के एतबार से दस्तूर अमल के एतबार से, ठीक है। ये तो समझे ना कि भाई इस काम को नहीं करना, आप करना ही नहीं। अब कुछ दिन बाद एक ऐसा मसला दरपेश आया कि मसलन मस्जिद में उस वक्त जो है कोई काम हो रहा है और बच्चे दाखिल नहीं हो सकते, उस काम के खत्म होने में 20 से 25 मिनट लगेंगे या एक दो घंटे लगेंगे मसल, और उसके और बच्चों को नमाज के फौरन बाद का जो टाइम होता है उसमें कहीं और जाना भी है, वो जरूरी है जाना मसलन। तो अब मसलन मुदीर मोहतरम ने कहा कि भाई अब खाना खा लो, अजान के टाइम खाना खा लो। तो ये खाना खा लो क्या है, हुक्म है या नहीं, अम्र है या नहीं, खा लो उर्दू में अम्र, इसका मतलब ये क्या जरूर खाओ नहीं, यानी अब खाना खा लो यानी खा सकते हो अगर खाना चाहो, जवाब, ठीक है ना। तो ये फेले नहीं के बाद और ये अगर फेले अम्र आए तो जवाज पर दलालत करेगा, अगर मुतलक आए मुजर्रद आए किसी भी खरीने से तो वजूब पर दलालत करेगा, इसकी गुफ्तगू हम इल्म उसूल और इल्म फिक्र में कर लेते हैं। लेकिन हुक्म जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है, सबसे पहले किताबुल्लाहिल अज़ीम, परवरदिगार किताब से। तो सबसे पहली दलील परवरदिगार की किताब, सबसे पहले जहां पे हमें अपने हुक्म के लिए मंबा तलाश करना है, माखज तलाश करना है, मदरक तलाश करना है, वो परवरदिगार की किताब। और इस किताब में कितनी आयतें हैं कि जो अहकाम से रिलेटिव है, अहकाम से रिलेटिव आयतें कितनी है कुरान करीम में, भाई 6666 आयत तक बाज अफराद बताते हैं, बाज थोड़ा सा कम करके बताते हैं क्योंकि बाज जगह पे वक्फ करके वो आयत के कायल नहीं है बल्कि कहते हैं पूरी एक आयत है मसलन। तो 6666 आयतों में मसलन कौले मशहूर की बिना पे कितनी आयतें, तकरीबन 500 आयत कि जो अहकाम से रिलेटेड,
तो जो इल्म फिक्र हमारे लिए कारगर हैं, जिनसे हम अहकाम शरिया अर्ज़ कर सकते हैं, कुरान करीम में 500 आयत हैं, उनके बारे में है गुफ्तगू। अगर हम कहते हैं अल किताब यानि कुरान करीम, तो जब हम इल्म उसूल फिक्र में जब ये कहेंगे तो उससे मुराद हमारी कोई 500 आगे बढ़ सकें, कितनी 500 आयत। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। कह रहे हैं अल अदिल्ला, अदिल्ला जमा है दलील की। दलील किसे कहते हैं? अदलील हुवा मा युस्तंबतो मिनहुल हुक्म, दलील वो है कि जिससे हुक्म का इस्तिंबात किया जाता है। हुक्म का इस्तिंबात करना ही नहीं, निकालना है, इस्तखराज करना। अमसाल अल किताब व सुन्ना वल इस्तिसहाब वल बरा, किताब सुन्नत और इस्तिसहाब और बरा। आप कहेंगे हमने तो ये सुना था किताब सुन्नत इजमा अक्ल, हाँ वो भी, और इस्तिसहाब बरात एहतियात तखीर भी है। ये दो दो इसलिए हमने जिक्र कर दिया कि ताकि जो हुक्म दो तरह का होता है दोनों को आप समझ सकें। तो अभी इंशाल्लाह आगे हम गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि तो हुक्म कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, एक हुक्म वाकई और एक हुक्म जाहिर। तो जिनसे शरीय अहकाम को इस्तंबात किया जाता है अदिल्ला कहलाते हैं। जिनसे शरीय अहकाम को इस्तंबात किया जाता है, निकाला जाता है, वो क्या कहलाते हैं? जैसा कुरान करीम व सुन्नत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब कह रहे हैं कि दलील तकसीम होती है दो किस्मों की तरह, दलील तकसीम होती है दो किस्मों की तरह। एक दलील होती है दलील इज्तिहादी और एक होती है दलील फुकाही या फुकाहती। ठीक है, फुकाही या दलील इज्तिहादी वही किताब सुन्नत इजमा और अक्ल। ठीक है ना, किताब सुन्नत तो वाज़ह है तकरीबन, और आगे अभी हम गुफ्तगू शुरू करने वाले हैं कल से, किताब सुन्नत के बारे में ही गुफ्तगू कल से शुरू हो। ठीक है ना, और इजमा की गुफ्तगू आगे आएगी, अक्ल की भी। लेकिन मुख्तसर तरीके से दलील इज्तिहादी और दलील फुकाही का एक मुख्तसर सा फर्क यहाँ पर वाज़ह कर दूं। दलील इज्तिहादी में जो हुक्म भी निकलता है उस हुक्म को हम ये मानते हैं कि ये हुक्म वाकई परवरदिगार की तरफ से है। वो हुक्म किसकी तरफ से है? परवरदिगार की तरफ से। मसलन कुरान करीम से अगर हमने ये हुक्म निकाला कि हालत अहराम में शिकार करना हराम, तो ये जो हुक्म हमने निकाला है कुरान करीम से, ये हमने अपनी अमली जिम्मेदारी को अंजाम देने के लिए ये बात समझी है या वाकई यही हुक्म परवरदिगार का? वाकई यही हुक्म, क्योंकि कुरान करीम में बिल्कुल वाज़े तौर पे ये जिक्र हुआ है। ठीक है, अच्छा कोई कनेक्ट होना चाह रहा था तुमने से? लेकिन अगर मसालन मिसाल के तौर पर एक बर्तन रखा है हमारे सहन में मदरसे के, पानी से भरा हुआ टप, टप रखा है पानी से भरा हुआ, तो उस टप के नजदीक से कुत्ता गुजरा या नहीं गुजरा? हम सुबह में उठे और टंकी में पानी नहीं आ रहा, हमें वुजू करना, नमाज का टाइम खत्म होता जा रहा है, उसमें पानी भरा हुआ है और कहीं पानी है भी नहीं,
मसला यह है तो जरा फासले पे है, जहमत हो भी जाने में। अब हम इस टब के पानी में सोचें कि इससे वजू करें या नहीं। जहन में शक ये हो रहा है कि भाई रात में कुत्ता भी आ जाता है यहाँ सहन में, हो सकता है कुत्ते ने मुंह डाल दिया हो सकता है कोई और ऐसा जानवर कि जो नजिस होता है वो यहाँ से गुजरा हो, उसने मुंह डाल दिया हो। ठीक है ना, जहन में एहतमाल आता है या नहीं, रात भर वैसे खुला हो। अब यहाँ पे हमने बहुत सोचा कि अब क्या करें, यहाँ पे हमारे लिए अल्लाह का क्या हुक्म है, इस पानी को हम पाक माने या ना माने। अगर ये पानी नजीस है तो हम वजू नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर पाक है तो वजू कर सकती। तो ये कहाँ से हमें पता चला कि वाकई ये पानी पाक है या ये पानी नजीस है। हमारे पास इल्मे गैब तो है नहीं, ये तो अगर वही बताए तो पता चल सकता है कि भाई ये पाक है। अब हमने कुरान करीम में देखा कहीं पे हमारे इस टब के बारे में कोई आयत नहीं, कोई हदीस नहीं थी। हमने अकल से बहुत कोशिश करी कि कोई ऐसा उसूल अकलिया में से कोई असल ऐसी मिल जाए जिससे ये समझा जा सके कि पानी पाक है नजीस। देखो उलमा ने कहीं इजमा किया हो मुतकद्दमीन में जो असर मासूमीन से मुतसिल थे, वो भी नहीं मिल रहा है इस टप के ऊपर इजमा। अगर इनमें से कोई चीज मिल जाती तो हम कहते कि वाकई परवरदिगार के हुक्म के मुताबिक ये चीज पाक या नजीस, ठीक है ना। अब वो चीज वहां से मिली नहीं, हम कोई दलील वहां से नहीं मिली, तो अब हम क्या करें, इस पर वुजू करें या ना करें। तो यहाँ पे जो चीज हमारे लिए मदद करती है वो करती है उसूल अमलिया। उसूल अमलिया एक चीज जहन में रखिएगा, उसूल अमलिया का मंबा सर चश्मा भी कुरान और सुन्नत है। जिन्हें का उसूल अमलिया खुदा न खास्ता अपने जहन की पैदावार हो, जैसे मसलन अबू हनीफा वगैरह और दूसरी फिकहों में बाज जगह पे एक राय शख्सी की अहमियत है। यानी जब कहीं से कोई उन्हें मिला कि मेरा दिल ये कह रहा, मैं अपनी दलीलों से ये समझता हूँ इस चीज़ के, ऐसा अगर पूरे इंसान जमा हो जाए और कहें कि हम अपनी अकली राय से ये समझते हैं, अपने आरा से हमने सबकी कि ये चीज़ वाजिब हो गई, या हमने सब ने जमा होकर फैसला कर लिया है तमाम इंसानों ने ये चीज़ तब भी नहीं होने की हराम या हलाल, सिर्फ इसके फैसले को करने का हक परवरदिगार का है कि किसी चीज़ को हलाल करे या हराम करे। तो अगर किताब सुन्नत इजमा अकल से कोई हुक्म हमें मिल रहा है तो हम ये समझते हैं कि परवरदिगार का ही हुक्म, यानी हमें वाकई थी। लेकिन इसके अलावा जो हुक्म हम निकालते हैं उस हुक्म को कहते हैं कि ये हमें पता नहीं कि परवरदिगार का हुक्म वाकई है या नहीं, बस इस वक्त ये हमारी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। अगर से हमने अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए जो कायदा कानून इस्तेमाल किया है वो कायदा कानून भी परवरदिगार के हुक्म से ही निकला है, उसी ने दिया है कि ऐसे टाइम पे तुम इस कायदा कानून से इस्तेफादा करो। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि राय शख्सी की कोई अहमियत हो। आगे बात समझ में सकते हैं। तो दलील इस्तेहादी वहवल मसदरुल हुक्मुल वाक़ी, करें दलील इस्तेहादी मसदर है हुक्म वाकई का। मसदर यानी सरचश्मा जहां से सादिर होता है हुक्म वाकई। और अदिल्ल इस्तेहादिया क्या क्या है, बल अदिल्लतुल इस्तेहादिया और दलाइल इस्तेहाद क्या है, किताब सुन्नत इजमा और अदलीलुल फुकाही, दलील फुकाही या दलील फुकाहती। वहुवल मसदरुल हुक्मुल वाकई, ये मसदर है हुक्म जाहिरी। मैंने हुक्म जाहिरी क्या बताया,
कि जो हमारी अमली जिम्मेदारी को बताता है वो होता है हुक्म जाहिर, जो हमारी अमली जिम्मेदारी को बताता है। तो दलील इस लिहाज से कि उसका मदलूल हुक्म वाकई है या हुक्म जाहिरी है, दो किस्मों की तरफ तकसीम होती है, इज्तिहादी और फुकाहती। दलील इज्तिहादी उस दलील को कहा जाता है जो हुक्म वाकई पर दलालत करती है। हुक्म वाकई पर गुमान होने का मूजिब बनती है, गोया एक तरीके से ये कह सकते हैं दलील, ऐसी दलील दलील इज्तिहादी, लिहाजा उसे दलील इज्तिहादी कहा जाता है, जैसे किताब सुन्नत अक्ल और इश्क। बाज गैर मोतबर मनाबे भी मौजूद हैं, जैसे कयास इस्तेहसान और सद्दे जराए। ये कयास इस्तेहसान और सद्दे जराए ये अहले सुन्नत ने उसूल अरबा में जिक्र किए, जो फिक्हे हनफी और दूसरी फिक्हे हैं उनमें इन कयास की इस्तेहसान और सद्दे जराए की बहुत अहमियत है। इनकी बहुत अहमियत है। ये एक साहब जो है जुड़े हैं, इन्होंने माइक खोल रखा तो उन्होंने बंद कर दिया। तो कयास इस्तेहसान सद्दे ज़राए, कयास मतलब मिसाल को, ये लफ्ज कयास आया है, ये कयास मंतकी मंतकी वाला कयास नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। बल्कि हकीकत में जो कयास इस्तेमाल करते हैं अहले सुन्नत फिक्र में वो तमसील है, वो कयास नहीं है, वरना कयास से जो नतीजा निकलता है वो यकीन की हद तक ले जाता है। ये कयास वाले लफ्ज तो इस्तेमाल किया है मंतिक वाला, लेकिन हकीकत में वो क्या है, एक तरह से तमसील है। तो कह रहे हैं जैसे कयास इस्तेहसान और सद्दे ज़राए, लेकिन अहकाम शरी को साबित करने के लिए उन पर एतमाद नहीं किया सकता, बल्कि किस पर एतमाद किया जा सकता है, किताब सुन्नत इजमा। दलील फुकाहती उस दलील को कहा जाता है जो हुक्म जाहिरी को साबित करती है। यह दलील उस वक्त काम आती है जब किसी चीज के हुक्म वाकई के बारे में कोई दलील मौजूद न हो, तो उस सूरत में हैरत और हैरानी से निकालने के लिए, परेशानी से निकालने के लिए, इंसान को एक सही रास्ते पर लगाने के लिए कि इस टाइम क्या करे, वो उस वक्त जिस हुक्म का इस्तफादा किया जाता है उसे हुक्म जाहिरी कहते हैं, और जहां से इस हुक्म का इस्तफादा किया जाता है उसे दलील फुकाहती। ठीक है, उस चीज पर जाहिरन जो हुक्म बार किया जाता है उस दलील को उसूल अमलिया भी कहा जाता है। ठीक है ना, उसूल अमलिया भी इसी को कहते हैं। उसूल अमलिया में क्या क्या हुए, इस्तसाब बरात एहतियात तखीर, ये उसूल अमलिया में। सबसे पहली चीज जो है, जो हमारे अदिल्ला में सबसे अहमियत की हामिल है, वो क्या है, अदिल्ला इस्तहादिया में भी मैंने जिक्र किया आपके सामने, किताब, अल किताब। ये अल किताब से मुराद क्या है, अल किताब से मुराद क्या है, कह रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा वो रह गया आपका, किताब के एतबार से थोड़ा मौजू और वो रह गया जो हमने इसमें जिक्र नहीं किया, मौजू। अब यहाँ पे आके साहिब किताब ने इल्म उसूल फिक्ह का मौजू बयान किया है, मौजू और उसूल फिक्ह का मौजू हुवा अदिल्लतु अहकाम तशरीयत इस्लामी, शरीयत इस्लामी की दलील है ये मौजू। फायदा तो हूँ, इसका फायदा, तो ये जो अदिल्ला है जो हमने जिक्र किया इन्हीं के चारों तरफ मसाइल घूमते रहेंगे, किताब सुन्नत इजमा अक्ल और इस्तसहाब बरात एहतियात और तहरीर, बस इस सारे मसाइल इन्हीं के चारों तरफ। मौजू क्या होता है किसी चीज का,
किसी भी इल्म का मौजू वो चीज होती है कि जिसके अतराफ में उस इल्म के तमाम मसाइल घूमते रहते हैं, वो मौजू होता है। जैसे इल्म तिब का मौजू क्या है? बदन। तो अब जो कुछ भी डॉक्टर पढ़ेगा बदन से रिलेटिव होगा। बदन को बुखार कब आता है? अगर बुखार आए तो क्या करना चाहिए? अगर मसलन नजला हो जाए जिस बदन को तो क्या करना चाहिए? आंख, बदन में आंखें अगर कम देखे तो क्या करना चाहिए? और कितना सोना चाहिए आदमी को, कितना जागना चाहिए? सब चीजें जो इल्म तिब में गुफ्तगू होती है बदन से रिलेटेड। इल्म उसूल में जब गुफ्तगू होगी तो अदिल्ला से रिलेटिव होगी पूरी गुफ्तगू। आगे बात समझ में? तो अदिल्ला क्या हुए? मौजू। तो वह अदिल्ला तो अहकाम तशरीह इस्लामी, शरीयत इस्लामी को निकालने वाले जो जराए हैं जिन्हें हम अदिल्ला कहते हैं वो मौजू है इल्म उसूल फिक्र। फायदा तो हूँ उसका फायदा, फायदा तो उसूल फिक्र है तहसीनुल कुदरत आला इस्तेमबात अहकाम तशरीह इस्लाम में अदिल्लत है। कह रहे हैं कुदरत और ताकत हासिल करना है अहकाम शरीयत इस्लामी को उनकी दलीलों से इस्तखराज करने की। किसी भी चीज के वजूब, जवाज, हुरमत, कराहत के कुरान करीम, सुन्नत, इजमा, अक्ल, इस्तसा, बरात, एहतियात, तखीर, इनसे हासिल करने की कुदरत हासिल करना, ये फायदा है इल्म उसूल फिक्र। आगे बात सबके समझ में? अब कह रहे हैं अदिल्लतु तशरीह इस्लामी, इसका थोड़ा सा इन्होंने मुकदमा जिक्र किया है। وَإِلَٰهُنَا نَكُونُ قَدْ انْتَهَيْنَا إِلَىٰ أَنَّ أَدِلَّةَ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ الَّتِي هِيَ مَصَادِرُهُ وَمُسْتَنَدَاتُهُ یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ إِلَٰهُنَا نَكُونُ قَدْ انْتَهَيْنَا یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ إِلَٰهُنَا یعنی یہاں تک ہم نے پہنچا دیا اس بات کو کہ ان ادلۃ التشریع الاسلامی شریعت اسلامی کے ادلہ دلیلیں کہ التی ہی مصادرہ یہ دلیلیں شریعت اسلامی کا مصدر ہے۔ شریعت قانون کا ایک مجموعہ ہے نا، یہ مصدر ہے۔ وہ مستندات اور یہ تمام احکام مستند ہوں گے کس کی طرف؟ انہی ادلہ کی طرف۔ بھائی کیوں حرام کیا؟ کہ قرآن میں ہے۔ کیوں حرام کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مستند ہو رہا ہے کیوں، کس طرف؟ قرآن اور سنت کی طرف۔ والتی ارجع الیہا فی معرفت احکامی، یہ وہی ہے جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے احکام کے جاننے کے لیے، احکام کی معرفت کے لیے اس طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوں گے؟ اجتہادی اور فقہائی، یا تو اجتہادی ہوں گے یا ہے یا الکتاب و سنہ و الاجماع و العقل و الاستصحاب و البراءت و الاحتیاط و التخیر، یہ ہو گئے۔ ادلہ کتنے ہو گئے؟ آٹھ، چار اجتہادی اور چار فقاہتی فقاہی۔ و وفق هذا التقسیم المشار الیہ، یہ کہہ رہے ہیں اس تقسیم کے مطابق جو ہم نے اشارہ کیا جس کی طرف، نشرع بدراسۃ کل واحد من هذه المصادر، ہم شروع کرتے ہیں انہی مصادر کے ایک ایک کر کے، کل واحد یعنی ان میں سے ہر ایک کے، ابل ادلہ مصادر کہہ لیجئے، ادلہ ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں ان پر گفتگو کرنا، کہ جو مصادر جو ہیں یا جو ادلہ التي تشکل بدورها موضوع علم اصول فقہ، یہ آٹھ کے آٹھ تشکیل دیتے ہیں علم اصول فقہ کا موضوع۔ تو جب ادلہ ہے موضوع تو علم اصول فقہ کا موضوع کیا ہوا؟ کتاب، سنت، اجماع، عقل، استصحاب، برات، احتیاط، تخیر، یہ موضوع ہو گیا علم اصول فقہ کا۔ کتاب انشاءاللہ آپ کل سے شروع کریں گے کیونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اللہ ٹارا ہے اس کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔